सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियां। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर बसा महेश्वर देवी अहिल्या के किले के रूप में प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक किले की सुंदर नक्काशी को निहारने के लिए हर साल यहां देश विदेश से हजारों पर्यटक पधारते हैं। महेश्वर की ये ऐतिहासिक धरोहर अपने आप में होलकर काल के कई रहस्य समेटे हुए है। महेश्वर की पहचान महेश्वरी साड़ियों से भी है, जो देशी नहीं विदेशों में भी पहचान रखती है। महेश्वर पहुंचने पर इतिहास की झलक यहाँ के कारीगरों के हाथों से बनने वाली साड़ी में भी दिखाई देती है। महेश्वर जहाँ कई घरों में हैंडलूम से सुंदर और आकर्षक साड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो वहीं महेश्वर के किले में रेवा सोसाइटी भी इस परंपरा को संजोए हुए है। इस सोसाइटी में महेश्वरी साड़ियों का निर्माण होता है। देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहे जाने वाले महेश्वर से अब राज रजवाड़े तो चले गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन जिस तरह आज भी महेश्वर का किला अपनी पूरी शान और शौकत से नर्मदा नदी के किनारे खड़ा है, उसी तरह महेश्वर की साड़ियां आज भी अपने उसी स्वरूप, उसी निर्माण पद्धति, उसी सामग्री तथा उसी रंग रूप और डिजाइन में निर्मित होती हैं। महेश्वरी साड़ी की ये खासियत है कि आज भी इस साड़ी का निर्माण पावर लूम पर नहीं हो सकता। ये साड़ियाँ सारे यहाँ मतलब MP से लेके विदेशों तक जाती है, और यहाँ पे हम साड़ी के अलावा शॉल बनाते हैं, स्कार्फ बनाते हैं, दुपट्टा बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाते हैं, दरी बनाते हैं, कुशन कवर बनाते हैं, सारा सामान बनाने लगे। मतलब इस तरह का हैंडलूम का काम इसके अलावा और कहीं नहीं है। हाँ, यहाँ पर करीब 70 व्यूवर्स हैं और यहाँ पर प्रतिदिन करीबन 40 से 50 साड़ियाँ का उत्पादन हो जाता है। दुपट्टे अलग बनते हैं, स्कार्फ अलग बनता है, शॉल अलग बनता है। नहीं, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है, अगर हम पावर लूम करेंगे तो फिर क्या इनको काम नहीं मिल पाएगा। पावर लूम में क्या प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और ये धागा क्या कच्चा होता है, इसलिए हैंड से ही हो पाता है। अगर इसको पावर लूम पर लगाने जाएंगे तो धागा चल नहीं पाएगा और वैसा डिजाइन नहीं बन पाएगा जो हम मंदिरों का जो डिजाइन बॉर्डर में और पल्लू में डालते हैं, वो डिजाइन नहीं बन पाएगा। कहा जाता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने सूरत से बुनकरों के परिवारों को बुलाकर महेश्वर में बसाया था, जो राज परिवारों के लिए वस्त्र बुनने का काम करते थे। महेश्वरी साड़ियाँ बेहद बारीक सूत से बुनी जाती हैं। इन साड़ियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी चेकनुमा बनावट है, जिसे यहाँ की बोली में चोखड़ा कहा जाता है। यहाँ के बुनकर सूती में रेशमी धागे मिलाकर जो साड़ियाँ बनाते हैं, उन्हें नीम रेशमी साड़ियाँ कहा जाता है। बुनकरों से देवी अहिल्याबाई का विशेष आग्रह होता था कि वे इन साड़ियों पर तथा अन्य वस्त्रों पर महेश्वर किले की दीवारों पर बनाई गई आकृतियां बनाएं, और ये बुनकर ऐसा ही करते थे। आज भी महेश्वरी साड़ियों की बॉर्डर पर महेश्वर किले की दीवारों पर बनी नक्काशियों की सुंदरता देखने को अवश्य मिल जाएंगी। महेश्वर की साड़ी की पहचान महेश्वर का किला ही तो है। ये महेश्वरी साड़ी सर 1978 में चालू हुआ है, और ये इसका इतिहास ये है कि जो महेश्वरी साड़ी बनती है सिल्क और कॉटन में होती है, और इसमें हम क्या जो किला परिसर में मंदिरों में जो डिजाइन होता है वो हम इसमें क्या बॉर्डर में डाल देते हैं, पल्लू में डाल देते हैं। एक सिंपल साड़ी को बनाने के लिए 3 दिन लगता है। साड़ी की लंबाई होती है 6.2, और अगर उसमें बूटी डालेंगे, झाला पल्ला डालेंगे, तो उसमें 8 से 10 दिन भी लगता है। महेश्वरी साड़ियों की परंपरा को जीवित रखने के लिए तथा इस कला के विकास के लिए इंदौर राज्य के अंतिम शासक महाराजा यशवंतराव होलकर के इकलौते पुत्र युवराज रिचर्ड ने रेवा सोसाइटी नामक एक संस्था तथा ट्रस्ट का निर्माण किया। आज भी उनकी देखरेख में महेश्वर के किले में ही महेश्वरी साड़ियों का निर्माण होता है, और इन्हें बनाने वाले कारीगर भी उन्हीं बुनकरों के वंशज हैं जो देवी अहिल्याबाई के समय हुआ करते थे, और जिन्हें देवी अहिल्याबाई ने हैदराबाद से आमंत्रित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।